स्वागत है आपका संगीता's किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बारिश के मौसम में खाने के लिए एकदम मज़ेदार स्नैक जो बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए आलू वड़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच सरसों। इसे चटकने देंगे अच्छे से, फिर डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते और ये पेस्ट बनाया मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का। इसे डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। इसे अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए अब ये भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स कर देंगे। देखिए हल्दी भी पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम 5 आलू को मैंने बॉईल किया है और उसको मैश कर लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और थोड़ा सा डालिए धनिया पत्ता। अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिला के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाइए अच्छी तरह से और बस 5 मिनट इसे बस हमें भुनना है। ये देखिए अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब ये हो चुका है, अब इसे हमने उतार लिया है गैस पर से और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए बहुत ही गर्म है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप के करीब बेसन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनता है जो वड़ा बनता है। और डालेंगे उसमें थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर और हींग। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाना है। अच्छी तरह से मिला लीजिए, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए और इसे कम से कम 1 मिनट हमें विस्क करना है। इससे क्या होगा, ये एकदम लाइट हो जाएगा और जो वड़ा बनेगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सोडा, फिर थोड़ा सा मिला दीजिए और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए एकदम इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये जो आलू का मसाला है ये भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको शेप दे देंगे वड़े में। ये देखिए इस तरह से आपको लेना है और इस तरह का शेप दे देना है। बस बहुत ही इजी है बनाने में, ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो सारे वड़े में हम बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई करने हम चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे आलू का मसाला वाला और इसको डिप करेंगे इसमें अच्छी तरह से और इसे तेल में छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से डिप कीजिए और इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। आपका तेल जो है ना एकदम गर्म होना चाहिए। एक एक करके हम डाल देंगे। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा गोल्डन कलर का ना हो जाए। इसे तेज आंच में ही कीजिएगा क्योंकि आलू तो ऑलरेडी बॉइल्ड है, हमें बस आउटर लेयर को ही ब्राउन करना है। ये देखिए एकदम कलर कितना सुंदर आया है इसका। इसे निकाल लीजिए और साइड में रख दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। इसे डालिए, फ्लिप कीजिए एक बार और सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कीजिए। तो लीजिए तैयार है हमारा आलू वड़ा। इसे हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। ये देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट है ये इवनिंग स्नैक्स के लिए। एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाकर देखिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। ये बहुत ही इजी टू मेक है और खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम टेम्प्टिंग।
तो आज ही बनाइए आप बारिश के मौसम में और इसका आनंद लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।